सो राहुल बोरेले का एक क्वेश्चन है, लेह या स्पीति कौन सा कितना टफ है, क्योंकि आपने दोनों किए हैं तो कौन सा वाला ज्यादा टफ लगा? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी को नोट छोड़ो, हेलो, सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, होप करता हूँ मेरी तरह अच्छे ही होंगे। सो दिस इज जस्ट अ Q&A वीडियो, नॉर्मल Q&A वीडियो है। आपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से, तो उनका एक ऑनेस्ट आंसर दूंगा। और क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे साथ कौन है? हेलो जेस पाजी। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, पूछेंगे पाजी, जवाब मैं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हियर आर दी 10 क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं इंस्टाग्राम से, तो एक एक करके पूछते हैं। राजवर्धन सिंह सबसे पहले पूछते हैं, जी व्हाट्स योर जॉब, क्या करते हो? बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मंडे टू फ्राइडे मेरी जॉब होती है, और उसके बाद सैटरडे संडे होता है जिस दिन मैं राइड करता हूँ। कोशिश करता हूँ लॉन्ग राइड भी करूँ, जब छुट्टी मिलती है लॉन्ग राइड करता हूँ, और जब नहीं मिलती तो सैटरडे संडे भाइयों के साथ राइड। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी बड़ा मज़ा आता है भाई इसके साथ राइड करने में। एक होता है ना, एक ब्रदरहुड है बाइकिंग वाला, एक ब्रदरहुड है जहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, कुछ क्रिएटर्स हैं, जैसे शिखर हो गया, मैं हो गया, ये हो गया, तो अच्छा है यार, कुछ एक दूसरे को सीखने को मिलता है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, मजा आता है, मजा आता है, यू ग्रो टुगेदर, यू नो। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल है यहाँ पे तनिष्क कपूर का, ये पूछता है फैमिली के बारे में कुछ डिटेल दो आप। फैमिली के बारे में पापा मम्मी और एक मेरी सिस्टर है, तो हम साथ में ही रहते हैं, अलग नहीं रहते। तो कभी कभार मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा होता तो बर्तन वगैरह की आवाज़ आ रही होती है, तो इसमें मज़ा होता है, लेकिन मैं वो दिखाता नहीं, कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखाऊँगा एक ना एक दिन। तो बस कॉमन प्रॉब्लम है, मैं भी जब वीडियो बनाता हूँ कभी कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से फ़ोन बजता है, कोई घर पे कोई आ जाता है, दादा पोछा मार रहा, और मैं कैमरा लेके यहाँ वहाँ घूम रहा होता, मम्मी क्या कर रहा है भाई, क्या क्या चल क्या रहा है। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, एक पंजाबी राइडर हैं, तो इनका एक सवाल है, YouTube जर्नी के बारे में बताओ, कैसे आपने स्टार्ट किया, किसने आपको इंस्पायर किया, क्या सोच के आप YouTube पे आए? तो YouTube जर्नी में मेरा ऐसा कुछ है नहीं, मैं बहुत पहले से राइड कर रहा हूँ, वीडियो बनानी तो मैंने अब स्टार्ट करी है। तो मैं लद्दाख गया था पहले, जिसमें मैं माइक भी नहीं लेके गया था, सिर्फ कैमरा लगा के चला गया था। अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखेंगे, लेटेस्ट नहीं, ओल्डेस्ट वीडियो, ओल्डेस्ट, तो उसमें आपको दिखेगा कि बहुत ही बेकार वीडियो बनाई हुई है, और एक चैनल बना लिया बस अपने नाम से, प्रभजोत, और मेरे को कॉलेज में सारे जट जट कहते थे, इसलिए मैंने जट प्रभजोत के नाम से चैनल बना लिया। बस बाकी तो आपके सामने है, शुरुआत से आपके सामने चलता आ रहा हूँ, पहले ड्यूक ली, उसके बाद अब मैंने Z800 ली, जर्नी आपके सामने ही, और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है, बाकी आप लोगों का साथ मेन है, जो आप लोग इतना साथ दे रहे हैं मेरा, उसी की वजह से मेरे सब्सक्राइबर गेन होते जा रहे हैं, आप लोगों का साथ, बाकी भाई का साथ। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरा। सो जी, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे आशु चड्डा जी का, जो पूछते हैं आपकी हाईएस्ट स्पीड क्या है 800 पे। ये तो गलती क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए वैसे तो। तो फिर भी ज़्यादा स्पीड में मैं चलाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने 230 पे चलाई है अभी तक, इससे ऊपर नहीं गया मैं, और मैंने आपकी बूसा भी, हाँ वैसे मैंने इनकी बूसा भी 200 पे चलाई थी। कोशिश करता हूँ नॉर्मल राइड करूँ, बिकॉज वी आर राइडर, वी आर नॉट रेसर्स। वेरी ट्रू, और रेस के लिए ट्रैक होना चाहिए, रोड ट्रैक होना चाहिए प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको स्पीड पे चलानी तो ट्रैक। हाँ, कभी आप रोड पे नहीं कह सकते कि अपनी जो हाईएस्ट स्पीड है रिकॉर्ड करो डालो, हमें मजा आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की जान रिस्क में रहती है, अपनी भी रहती है, कोई आगे आ गया तो उसकी भी रहती है, बाकी आप लोग देखते हैं तो फिर वही है। हाँ बिल्कुल सही। सो राहुल बोरेले का एक क्वेश्चन है, लेह या स्पीति कौन सा कितना टफ है, क्योंकि आपने दोनों किए हैं तो कौन सा वाला ज़्यादा टफ लगा? दोनों ही अलग लेवल के हैं, कुछ ऐसा नहीं कह सकते कौन सा ज़्यादा टफ है कौन सा इजी है, क्योंकि अगर आप स्पीति जाएंगे तो काजा तक तो बहुत ही बढ़िया है, अभी भाई भी होके आए हैं, मैं भी होके आया हूँ, तो काजा तक नॉर्मल है, उसके बाद थोड़ा टफ है, और लेह में अगर आप जाएंगे तो खारदुंगला टफ है, चांगला पास हो गया, पेंगोंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है तो थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, बाकी दोनों अपने अलग लेवल पे हैं, ऐसा हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों की सीनरी अलग है, लोकेशन अलग है, व्यूज अलग हैं, बाकी ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लेह लद्दाख के ऑल्टीट्यूड की प्रॉब्लम से थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, उससे थोड़े से बेसिक काम करने मुश्किल हो जाते हैं, जैसे आपको बाइक से उतर के फोटो खींचनी है, बाइक में कुछ हो जाता है, हवा भरनी है, पंचर हो जाता है, पंचर हो जाता है, सो थोड़ी प्रॉब्लम आपको ऑल्टीट्यूड की वहाँ पे आएगी, जो कि स्पीति में नहीं है, स्पीति में बहुत हाई ऑल्टीट्यूड नहीं है, सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस, बाकी दोनों जगह ऑफ रोड है, दोनों जगह बहुत ब्यूटीफुल है, राइट? तो कह सकते हो थोड़ा बहुत Q&A मैं भी आंसर ही कर रहा हूँ, क्योंकि राइडर ब्रदर्स और सेम सेम ट्रिप कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है अपने आपको वीडियो में देख के। सो द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, बहुतों ने इसके बारे में पूछा है कि आपकी YouTube इनकम क्या है,
ये भी वैसे गलत क्वेश्चन है लेकिन पूछा तो ऑनेस्ट आंसर देना पड़ेगा। यूट्यूब इनकम एज मच अभी ज़्यादा नहीं है लेकिन है, जिससे मेरे Z800 में पेट्रोल लग जाता है और थोड़ी बहुत EMI चली जाती है उसकी। तो तभी मैंने बताया कि जॉब मेरी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितने खर्चे मेरे जॉब से चलते हैं, लेकिन हाँ ठीक है थोड़ा बहुत आ जाता है कि पेट्रोल का निकल जाता है। एक बार इनसे भी पूछ लें इनकम के बारे में। देखो इनकम अगर बहुत ज़्यादा होती तो मैं शायद अपना ऑफिस छोड़ देता जो मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। बिल्कुल ऑफिस को मैं रेंट पे दे देता, 30-40 हज़ार में रेंट भी कमाता और बहुत सारे पैसे भी कमाता यूट्यूब से। तो उतनी इनकम अभी नहीं है बट श्योरली आगे आगे जैसे जैसे लोगों तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, एडवर्टाइजर आएंगे तो हमारे तक भी पैसा पहुंचेगा, यूट्यूब शायद थोड़ा पैसा और दे हमें। अभी बहुत सारा डिडक्शन होता है, ऑलमोस्ट 30-40% यूट्यूब रख लेता है, बाकी पैसा आता है हमारे पास में। उसके बाद भी गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, सो आई डोंट थिंक सो अभी मतलब एज अ कैरियर मैं इसको ऐसा देखता हूँ। बिल्कुल। अगला बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है कि आप जब ट्रैवल करते हो कौन से मैप्स यूज़ करते हो? गूगल मैप्स। बेसिकली अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हिली एरिया पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो आप उस लोकेशन का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वही काम आता है। जब नेटवर्क नहीं होंगे तो मैप तो आपका चलेगा नहीं, अगर ऑफलाइन आपने डाउनलोड किया होगा तो आप प्रॉपर लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। और ये सवाल जो पूछा था, ये पूछा था सुधांशु ने, एंड जो इनकम वाला था वो बहुत सारों के थे इसलिए हमने नाम नहीं लिया इसमें। नेक्स्ट जो सवाल है वो है जतिन का, तो जतिन पूछते हैं वही कैरियर की तरह मैं इसको लूँ या ना लूँ, यूट्यूब को भी आप कुछ लिए आप बता दो। तो यूट्यूब को आप कैरियर की तरह अभी मत लो, जो आप काम कर रहे हैं वो साथ साथ करते रहो। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है, उसको मत छोड़ो कि कहीं आप उसको छोड़ के इसको कैरियर की तरह ले लो और ये भी ठप हो जाए और वो भी ठप हो जाए, आप बस ताड़ियाँ मारते रह जाओ, तो ऐसा मत करो। तो आप इसको साथ साथ चलाओ, आपको लगता है कि हाँ आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, 6 लाख 7 लाख मिलियन तक पहुँच गए हैं और अच्छी इनकम आने लग गई है, तो आप इसको एज अ कैरियर ले सकते हो, लेकिन पहले नहीं रिस्क नहीं, बिल्कुल पहले नहीं। पहले अपना मेन काम आप करो, इसको एज अ हॉबी लो। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट आ रहा है और रिजल्ट आ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट करें जिस तरह की वीडियो आप बना रहे हो, तो ठीक है आप सोच सकते हो इस बारे में। बिल्कुल। तो अब दो सवाल बचे हैं, दोनों ही बहुत कॉमन है तो किसी भी बंदे का नाम नहीं है इसमें। पहला है दिल्ली मीटअप के बारे में, बहुत लोग पूछ रहे हैं कब करना है आपने। तो आप लोगों की वैसे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं तो मीटअप रख सकता हूँ अभी, लेकिन रखना नहीं चाहते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। सोचा थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए जिससे आप लोगों को भी परेशानी ना हो और हम लोगों को भी ना हो, क्योंकि मीटअप करेंगे कम से कम 3-4 घंटे आराम से बैठ के बातें करेंगे। ये नहीं मीटअप पे फोटो खिंचवाई और चले गए, ऐसा मज़ा नहीं आता। जब तक बातें ना करें, इंटरेक्शन ना हो तो प्यार नहीं बढ़ता। तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए डेफिनेटली एक मीटअप रखूंगा। उससे पहले एक वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ कहाँ मीटअप है, प्लेस टाइम सबको डिफाइन कर दूंगा, जो ठीक रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गर्मी इतनी है, आउटडोर मीटअप में मज़ा ही नहीं आएगा, ज़्यादा टाइम आप भी नहीं रुक पाओगे। बिल्कुल बेटर है थोड़ा वेदर अच्छा हो जाए फिर मीटअप करेंगे, तो मैं भी आऊँगा उस मीटअप में। सो गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस Q&A वीडियो, दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो अगला Q&A जल्दी होगा, बट फिलहाल के लिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट राइड आपको पसंद है या लॉन्ग राइड पसंद है? पसंद तो मुझे लॉन्ग राइड ही है, ये तो आप लोगों को ही पता होगा, लेकिन ऑफिस है, काम है, वो नहीं छोड़ सकता। घूम फिर के सारी बात वहीं आती है कि ऑफिस मेन है, तो ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती नहीं है। जब मिलती हैं कोशिश करता हूँ उनको साथ में ले लूँ, 3-4 छुट्टी मिली सैटरडे संडे इंक्लूड करा जब मेरा ऑफ होता है, और 5 दिन की एक राइड बना ली लॉन्ग, नहीं तो बाकी सैटरडे संडे भाइयों से मिलते हैं, प्यार बढ़ता है। तो पसंद तो लॉन्ग राइड है, लेकिन शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़ा है क्योंकि काफ़ी बंदों से मिलते हैं, इंटरेक्शन बढ़ती है, तो मज़ा बना रहता है। सही बोला, बिल्कुल सही है, 10 out of 10। तो आई होप गाइस तो फ्रेंड दिस इज जस्ट अ क्विक Q&A वीडियो, एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेनी चाहिए। आगे जाके और क्वेश्चन आएंगे तो एक और वीडियो बनाऊंगा। सोच रहा हूँ मंथ में एक वीडियो तो ऐसी अपलोड कर दूँ जिससे आपकी भी हेल्प हो जाए और पता लग जाए कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको पसंद आई हो लाइक कर देना, और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।